वेलकम दोस्तों, मैं भी आपके सामने आ गया हूँ अपनी राफ्टिंग का दोस्तों सेकंड और आखिरी पार्ट लेकर। और ये इस ऋषिकेश जर्नी का राफ्टिंग का हमारा दोस्तों आखिरी पार्ट होगा। तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मजे करने वाले इस चैनल पर। और जहाँ से हमने पिछली वीडियो छोड़ी थी वहीं से ही हम शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। तो दोस्तों जहाँ पे पिछला पार्ट छोड़ा था वहीं से ये पार्ट शुरू है। और दोस्तों मैं और मेरा एक और साथी हम लोग यहाँ पे गंगा मैया के पानी में दोस्तों बहुत मजे कर रहे हैं। और दोस्तों राफ्टिंग मतलब देखिए, जो भी कभी पहला अनुभव होता है ना किसी भी चीज़ का, वो दोस्तों बहुत बढ़िया होता है। तो दोस्तों ये हमारा राफ्टिंग का पहला अनुभव है। मतलब वैसे मेरे घर के बहुत पास पड़ता है, मैं रहने वाला दोस्तों सहारनपुर का हूँ। और मतलब मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे आने में मुझे 2.5-3 या 4 घंटे का समय लगता है, लेकिन दोस्तों तब भी कभी आ नहीं पाए। कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, लेकिन जब भी आप कभी आएँ और दोस्तों यहाँ पे पहली बार आएँ तो राफ्टिंग अगर आप करेंगे ना, तो वाकई में आप खुद को मतलब इंजॉय करने से रोक नहीं पाएंगे। मतलब आप अगर इंजॉय करना चाहते होंगे, क्योंकि देखिए और भी कई लोग हैं तो वो बोट में ही बैठे हुए हैं। और हम दोस्तों यहाँ पे पानी में रहते रहते दूसरी बोट के पास भी पहुंच गए थे, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया था कि कई जगह पानी ऐसा भी है जो कि बहुत शांत है पानी, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे दोस्तों दूसरी नाव भी हमारे आसपास घूम रही थी, और ये हमारे गाइड साहब हैं जो कि दोस्तों बार बार चोरी चोरी निगाहों से देख रहे हैं। वैसे बहुत बढ़िया इंसान है, इनका नाम दोस्तों राजू है। और आपको कभी वहाँ पे राफ्टिंग में मिलें तो दोस्तों मेरा हाय ज़रूर बोलिएगा भैया को। और मतलब बहुत बढ़िया बंदे हैं, अपने काम को लेके बहुत सीरियस हैं। और जैसा इन्होंने राफ्टिंग कराई दोस्तों, वैसी शायद ही कोई कराता होगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए यहाँ पे मतलब टाइम टाइम पे आपको गाइड करते रहते हैं, चीज़ों को बताते रहते हैं। और ये दोस्तों जो एक रस्सी आप देख रहे हैं, ये रस्सी है ना नाव में ही होती है, ये रस्सी काफ़ी दूर तक चली जाती है। तो इससे क्या होता है कि आप है ना थोड़ी दूर तक भी जाके आप यहाँ पे बहुत बढ़िया रिलैक्स कर सकते हैं और पानी में इंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज एक दूसरी रस्सी होती है वो तो बोट के ही चारों तरफ बंद होती है, लेकिन उस रस्सी का फायदा केवल तभी होता है अगर आप बोट के बिल्कुल पास में रहना चाहें। लेकिन इस रस्सी का फायदा ये होता है कि आप इसको पकड़ के काफ़ी दूर तक जा सकते हैं और आराम से रिलैक्स होके मतलब एक तरीके से लेट भी सकते हैं पानी में। मतलब कई लोग आप देखेंगे कि वो लेट रहे थे आराम से पानी में, तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे पानी भी ऐसा था कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए मतलब अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं और कितने मज़े कर रहे हैं। मतलब शायद वो घर से सोच के आए थे कि भाई राफ्टिंग करेंगे तो वहाँ पे पूरे मज़े करने ही करने हैं। और दोस्तों बिल्कुल पैसा वसूल परफॉर्मेंस होती है। हाँ, पैसे की बात आई तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे याद भी आ गई कि ये जो भैया ने वीडियो बनाई थी, इस पूरी वीडियो का भैया ने 1000 रुपये चार्ज लिया था, 1000 रुपये एक बार वीडियो शेयर करने का। तो दोस्तों हम 8 लोगों ने डिसाइड किया था, क्योंकि हम 8 ही लोग थे नाव में, तो हम 8ों ने डिसाइड किया जब हम नाव से उतर गए थे कि हम में से कोई भी एक बंदा इस वीडियो को ले लेगा और उसके बाद वो बाकी सबको शेयर कर देगा। इससे दोस्तों फ़ायदा क्या हुआ कि जो 1000 रुपये में हमने वीडियो ली उसमें दोस्तों हम लोग 8 लोगों को हमें मिल गई, और प्रत्येक बंदे का हर बंदे का 125 रुपये केवल पड़ा। यानी कि अगर आप 125 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों 1000 रुपये आ जाएंगे। तो 125 रुपये बंदा दे रहा है अपनी वीडियो देखने का। और दोस्तों इतनी लंबी वीडियो थी, मतलब जो स्टार्टिंग का और एंडिंग का है वो तो मैंने बनाया, लेकिन जो बाकी वीडियो है वो हमारे गाइड भैया ने शूट करी थी। तो उसको मतलब लेने का सिर्फ 1000 रुपये मात्र चार्ज था। तो मैंने भैया से उसी टाइम बोल के ये वीडियो ले ली थी जब हमारी राफ्टिंग खत्म हुई थी दोस्तों। और उसके बाद मैंने दोस्तों बाकी जितने भी लोग थे उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और उन सभी लोगों ने मुझे पेमेंट भी करी थी दोस्तों। तो ये बहुत मतलब बढ़िया चीज़ें हैं अगर आप भी यहाँ पे कभी आएँ, क्योंकि देखिए हमारी जो राफ्टिंग थी वो शायद जैसा कि मेरे साथ वाले बता रहे हैं, क्योंकि वो पहले भी आए हुए हैं, तो वो बता रहे थे कि ये 10 से 12 किलोमीटर की राफ्टिंग थी। तो 10 से 12 किलोमीटर के 1000 रुपये उन्होंने लिए थे। इसके अलावा एक दोस्तों बहुत लंबी राफ्टिंग भी होती है जो कि 30-35 किलोमीटर की होती है, तो वहाँ पर भी दोस्तों आप कर सकते हैं। वहाँ का जो चार्ज होगा वो जिस बोट में आप जाएंगे वो भैया आपको बेहतर बता पाएंगे। और मेरे ख्याल से तो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये है ना यादें होती हैं कि मतलब आप गए थे, और एक तरीके से सबूत भी होता है कि मतलब आप गए थे, और आप कोई अगर आपको कहे तो आप दिखा भी सकते हैं। वो तो खैर मजाक की बात थी, लेकिन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मतलब हमें तो घूम के बहुत ही मज़ा आ रहा था, और मतलब पानी में ऐसा लग रहा था क्योंकि इस टाइम ना गर्मियों का टाइम है, और देखिए पानी ना वो ठंडा ठंडा भी लगता है, तो ठंडा पानी लगता है तो और ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों। स्टॉप, गंगा मैया की जय, ही जय, ही जय, चले फॉरवर्ड। स्टॉप, यहाँ पे दोस्तों मैं ये सोचने लगा था कि सामने रैपिड है और भैया ने बोला स्टॉप, रुक जाओ, यानी कि भैया के दिमाग में चल क्या रहा है आखिर। फॉरवर्ड डाल, फॉरवर्ड पैडल मारो। तो ये रैपिड जो है ना दोस्तों, ये आपको जगह जगह मिलेंगे और जगह जगह आपकी परीक्षा लेते रहेंगे आपके मानसिक संतुलन की। फॉरवर्ड,
फॉरवर्ड एक्टर मैच फॉरवर्ड एक्टर गाइस मारो फास्टर फास्ट फॉरवर्ड पैडल मारो एक साथ। दोस्तों रैपिड का पानी भी है ना कहीं कहीं पे तो थोड़ा स्लो होता है, लेकिन कहीं कहीं पे है ना मतलब बिल्कुल आपको हिला देता है अंदर तक, तो यहाँ पे थोड़ा स्लो है। अभी दोस्तों हमें भी यहाँ पे दिख गया था कि रैपिड का बहाव थोड़ा कम है, क्योंकि रैपिड का बहाव ज्यादा तेज यहाँ पे नहीं था। तो यहाँ पे दोस्तों रुकने का इशारा हमारे गाइड ने क्यों किया था हमें कुछ नहीं पता था, बस हमें इंस्ट्रक्शंस मिले, हमें सुझाव मिले कि रुकना है, तो दोस्तों हम लोग रुक गए। और उसके बाद हमें आगे जो भी सुझाव मिलने वाले थे हम उनको मानने वाले थे दोस्तों। और अब मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे गाइड कुछ ना कुछ और ज़रूर एडवेंचर करने वाला है, वो है क्या दोस्तों, बस मैं वही देखना चाह रहा था। और उधर उन्होंने हमें बताया कि वहीं पर वो खाने के लिए भी रुकेंगे, बीच में हम रुके थे। और दोस्तों यहाँ पर जो ये वाला रैपिड है ना, इसमें हमें गाइड ने फिर कूदने के लिए बोल दिया था और हम लोग दोस्तों यहाँ पर कूद। और दोस्तों यही वो वाला रैपिड है जिसमें मैंने आपको बताया था, पीछे मैंने बोला था, लेकिन असली रैपिड ये है जिसमें मुंह और नाक में दोस्तों पानी भर गया था, वो यही वाला रैपिड है। और दोस्तों इस रैपिड में लेकिन आए बहुत ज्यादा मजे, ये देखिए ये कितनी तेजी से पानी हम सब लोगों पर टकराया और टकरा रहा है। इस टाइम दोस्तों बस केवल और केवल आपको रस्सी पकड़ के रहनी होती है, रस्सी आपको अपने जीवन का सहारा दिख रही होती है। लेकिन हाँ ऐसा कोई मतलब ये दिक्कत नहीं होती है कि आपके जीवन पे बात आ जाती है, बस हाँ आपको रस्सी पकड़ के रखनी है और बस गाइड की बातों को सुनना है। क्योंकि देखिए दोस्तों इस टाइम कोई भी अपना पैडल चला नहीं रहा है, केवल और केवल गाइड पैडल चला रहा है, और वो भी रैपिड में जहाँ पे कि गंगा मैया का पानी एकदम मतलब इतनी तेजी से आता है कि आपको खुद भी नहीं पता चलता। तो आपको दोस्तों केवल और केवल बस अपने गाइड पे भरोसा बना के रखना है और बस खुद को रस्सी से अलग नहीं करना है। तो दोस्तों अगर ये दो चीज़ें आपने कर ली तो आप इस रैपिड से पार पा जाओगे जैसे कि हम लोगों ने इस रैपिड से पार पाया। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया ये रैपिड है, बहुत ही हमने यहाँ पे मजे किए। आपने पीछे देखा था ना कैसे पानी हम लोगों से इतनी तेजी से टकराया था और पानी नाव में भी आ गया था, वो भले ही नाव में रहता नहीं है ज़्यादा देर, लेकिन वो नाव में भी आ गया था पानी। तो दोस्तों बहुत ही हमने यहाँ पे मजे किए और इतने मजे है ना, इतने मजे शायद हमने जिंदगी में पहले कहीं किए हो। और दोस्तों उत्तराखंड में अगर आप ऋषिकेश में आए ना तो यहाँ पे आपको ये मजे इतने ज्यादा तो करने बनते ही बनते हैं। दोस्तों जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते गए तो हमें दिखता गया कि अब पानी है ना स्थिर हो गया है, अब वो आपका जो रैपिड वाला पानी है वो नहीं है। दोस्तों रैपिड का मतलब आप समझ गए ना, जहाँ पे पानी मतलब बिल्कुल अपनी विकराल स्थिति में होता है, मतलब ये मान के चलिए बिल्कुल अपने डेंजर रूप में होता है, उस जगह को रैपिड बोला जाता है। अदरवाइज जो वैसी नॉर्मल नदी है, नॉर्मल गंगा नदी है, उसमें दोस्तों आप कहीं भी कूद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम दोस्तों देखिए अभी भी हम लोग रैपिड में ही हैं, लेकिन यहाँ पे पानी का बहाव कम है। लेकिन रैपिड में कुछ जगह ऐसी आती हैं जहाँ पे पानी का बहाव बहुत ही तेज होता है। तो दोस्तों इस पूरे रैपिड से हमारे गाइड ने हमें निकाला था और ये रैपिड अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये रैपिड अभी भी है। और दोस्तों आगे आने वाले जो और रैपिड होंगे ना वो आपको और ज्यादा मजे देंगे। मतलब यहाँ पे है ना आप जब आओगे एडवेंचर करोगे तो यार ऋषिकेश में है ना मतलब इस योग नगरी में देखो कैसे पानी हमसे टकरा रहा है, मतलब इतनी तेजी से पानी टकराता है कि आप लोगों का ना कभी कभी तो माइंड बंद भी होने को होता है, लेकिन करना नहीं है, बस माइंड बंद नहीं करना, माइंड को खुले रखना है, रस्सी पकड़ के रखनी है और गाइड जो बोल रहा है बस केवल उसको सुनना है और उसको फॉलो करना है। अगर आपने दोस्तों ये तीन चार चीजें कर ली ना जो मैंने बताई है तो दोस्तों आपकी ये राफ्टिंग है ना इतनी एडवेंचर वाली होगी, इतनी मजेदार होगी और इतने मजे आप लोग यहां पे करोगे ना कि मतलब आपको यहां पे बार बार आने का मन करेगा। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे जो मेरा दोस्त है ना वो दोबारा मेरे से पूछ रहा था कि दोबारा हम लोग यहां पे कब जाएंगे, तो मैंने बोला भाई अभी तो कुछ नहीं पता, लेकिन हां यहां पे आने का दोस्तों बार बार मन जरूर करता है और यही इस ऋषिकेश योग नगरी की खास बात है। और दोस्तों ये उत्तराखंड की खास बात है कि वो अपने से दूर किसी को जाने ही नहीं देता है। और दोस्तों हमारा तो घर भी उत्तराखंड से बहुत पास है, लगभग 35-40 किलोमीटर दूर हमारा उत्तराखंड से घर है। और जब भी मन करता है दोस्तों तभी हम लोग ऋषिकेश, देहरादून और उत्तराखंड की और जगह हरिद्वार वगैरह घूमने निकल जाते हैं। और आप भी दोस्तों घूमा कीजिए, बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको राफ्टिंग की ये वीडियो और पिछली वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हर पर्सन के पास ये वीडियो पहुंच सके और 2022 में राफ्टिंग के मजे लोग कैसे ले रहे हैं वो सबको दिख सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।